हेलो गाइस, दिस इज़ विनय शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। अभी रिसेंटली मैंने भुवन बाम का ये स्केच ड्रॉ किया था, तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आए कि मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊं कि ये हेयर्स मैंने किस तरह से ड्रॉ किए ग्रेफाइट पेंसिल्स का यूज़ करके। सो दैट्स वाई आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आप ग्रेफाइट पेंसिल्स का यूज़ करके कैसे रियलिस्टिक हेयर्स ड्रॉ कर सकते हैं, किन किन पेंसिल्स का कहाँ कहाँ यूज़ करना है, किन टेक्निक्स का यूज़ करना है, और कैसे बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आप ऐसे हेयर्स ड्रॉ कर सकते हैं। सो, अभी मैं एक 0.5 मैकेनिकल पेंसिल जिसमें HB का लेड है उसे यूज़ कर रहा हूँ, और फोटोग्राफ में ऑब्जर्व करके हेयर की डायरेक्शंस को धीरे धीरे हल्के हल्के स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको एक एक हेयर वैसे ही ड्रॉ करना है, आपको बल्क में हेयर ड्रॉ करना है। एक बार आपको फोटोग्राफ में देखना है, ऑब्जर्व करना है कि किस हिसाब से वहाँ पे हेयर है, हेयर्स की डायरेक्शन क्या है, दैट इज़ द मेन पॉइंट। आपने डायरेक्शन आइडेंटिफाई की, उसी ही डायरेक्शन में आप स्ट्रोक्स लगाने चालू कीजिए। पहले फोटोग्राफ को देखिए, फिर अपनी पेंसिल से उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाइए। ये एक बेसिक टेक्निक है हेयर ड्राइंग की। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप हर एक हेयर को अलग से देख के ऑब्जर्व करके ड्रॉ करें। आप बल्क में हेयर देखें, हेयर की डायरेक्शन को देखें, हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से आप अपने स्ट्रोक्स लगाएं, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट लेयर, तो मैं इसमें बिल्कुल भी प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी मैं इसमें इतना डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट लेयर बिकॉज मुझे अभी इसमें थिकनेस क्रिएट करनी है, तो ये फर्स्ट लेयर उस वजह से है। अभी इसमें मैं कोई भी ज़्यादा डिटेलिंग या कोई भी ऐसा नहीं कर रहा कि मेरे को ये फाइनल कुछ भी नहीं कर रहा। अभी मैं सिर्फ हेयर्स को ऑब्जर्व किया और डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, बस इतना हो रहा है। आप सब देख रहे होंगे जैसे कि मैं बीच बीच में ऐसा कुछ नहीं कर रहा कि मैं हार्डली स्ट्रोक्स लगाऊं या फिर ज़्यादा डिटेलिंग करूं। ये हेयर ड्राइंग बिल्कुल अभी जो फर्स्ट लेयर मैं दे रहा हूं, ये बिल्कुल आउटलाइन के जैसे है। जैसे आप स्केच ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द आउटलाइंस, तो उस हिसाब से आपको फर्स्ट लेयर देना है कि आपको आइडिया हो जाए कि मैं अगर सेकेंड लेयर दूँ, अगर मैं डिटेलिंग करूँ तो वो किस डायरेक्शन में कहाँ पर स्ट्रोक्स मेरे को लगाने हैं, कहाँ पर मेरे को हेयर स्ट्रोक करने हैं। तो मैं अभी बस इसको फर्स्ट लेयर को एकदम आइडेंटिफाई करने के लिए, जगह आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा हेयर कहाँ पे मेरे को थोड़ा डिटेल करना है, कहाँ पे लाइट रखना है, कहाँ पे डार्क रखना है, उस हिसाब से सिर्फ एक ही पेंसिल का यूज़ करके मैं इस सब पूरे काम को कर रहा हूँ। देखिए, मैंने एक ही पेंसिल्स का यूज़ करके यहाँ पे बन को भी ड्रॉ किया और हेयर्स के छोटे पार्ट्स जो गर्दन के नज़दीक हैं उनको भी ड्रॉ किया, और इसी मैकेनिकल पेंसिल। मैंने कोई भी दूसरी पेंसिल अभी यूज़ नहीं की है, अभी इसी पेंसिल का यूज़ करके मैंने इसे पूरा ड्रॉ किया है। अब मैंने ब्रश का यूज़ करके, सिंपल वाटर कलर ब्रश का यूज़ करके इसे फर्स्ट लेयर को ब्लेंड कर लिया है। आप कुछ किसी भी नॉर्मल ब्रश का यूज़ कर सकते हैं और इसे ब्लेंड कर सकते हैं। और अब मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और सेकंड लेयर को देने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि जहाँ पे डार्क पार्ट है। सेम टेक्निक उस पेंसिल से भी मैंने यूँ यूज़ किया था कि जहाँ पे डार्क पार्ट थे उसी ग्रेड से मैंने डार्क पार्ट को भी ओप करने की पूरी पूरी कोशिश की थी। इस हिसाब से मैं इसमें बल्क में हेयर ड्रॉ करूँगा, स्ट्रोक्स वहीं लगाऊँगा डायरेक्शन को देख के, और जहाँ पे डेप्थ है उस डेप्थ को ऑब्जर्व करके फोटोग्राफ से वहाँ पे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा करके इसी एक पेंसिल का यूज़ करके मैं इनको भी करूँगा। और अगर थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि मेरे को हायर ग्रेड यूज़ करना चाहिए तो आप वहाँ पर हायर ग्रेड यूज़ कर सकते हैं। तो इस टेक्निक का यूज़ करके मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। वीडियो रियल टाइम में नहीं है क्योंकि मैंने कोई प्लान नहीं किया था कि मैं
इन हेयर्स का ट्यूटोरियल डालूंगा, पर जैसे कि मैंने आपको बताया रिक्वेस्ट आई है तो दैट्स व्हाई आई एम अपलोडिंग। तो वीडियो रियल टाइम में नहीं है, टाइम लैप्स है, तो प्लीज़ ट्राई टू मैनेज। वैसे मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और आप इसे जो भी मैं बताऊँ आपको इन टेक्निक्स को आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपनी स्केचिंग में। आप हेयर ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। मैं इस फोटोग्राफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो इन्हीं हेयर्स की मोटा मोटा आउटलाइन बना के या कैसे भी आप इन टेक्निक्स का यूज़ करके, दो पेंसिल्स का यूज़ करके आप इन हेयर्स को ड्रॉ करने का ट्राई कीजिएगा। डेफिनेटली अगर आप पेशेंस के साथ काम करेंगे तो आप भी बिल्कुल रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करने में बिल्कुल कामयाब होंगे। मैंने इन हेयर्स को ऑलमोस्ट ड्रॉ कर लिया है, और अब एक लास्ट स्टेप जो आपको बिल्कुल लास्ट में करना है, हाइलाइट्स। फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके आपको देखना है कहाँ पे हाइलाइट्स है, कहाँ पे वो वाइट पार्ट है, कहाँ पे मेरे को, जैसे अब मैं जहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे को हेयर की कनेक्टिविटी दिखानी है स्किन से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उतने हेयर नहीं होंगे जितने कि ऊपर की साइड है। तो मैं टोम्बो मोनो जीरो रेजर का यूज़ करके हाईलाइट दिखा रहा हूँ जहाँ पे भी फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके मेरे को दिख रहा है कि हाईलाइट है। तो ये काम आपको बिल्कुल लास्ट में करना है, हाईलाइट लास्ट में। और जैसे कि मैंने बताया आप सिंपल टेक्निक्स का यूज़ कीजिए, सिंपल फर्स्ट लेयर दीजिए एक आप नॉर्मल पेंसिल से, लाइटर ग्रेड की पेंसिल से पूरा उसको एक स्केच टाइप कर लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए जब आप सेकंड और थर्ड लेयर की तरफ जाएं तो आपको पता रहे कि कहाँ पे मेरे को कौन सा हेयर, कहाँ पे मेरे को स्ट्रोक्स लगाने हैं, कहाँ पे किस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाने। तो अपने हिसाब से वहाँ पे थोड़ा अंदाज़ा सा बनाने के लिए होती है फर्स्ट लेयर, तो फर्स्ट लेयर को उस हिसाब से दें, फिर सेकेंड लेयर करें, सेकेंड लेयर आपको लगे कि मेरे को और हायर ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करना चाहिए मान लो डेप्थ में, तो आप हायर ग्रेड की पेंसिल का भी यूज़ करें अपने हिसाब से, पेपर के हिसाब से कि कहाँ पे अभी जिसमें, जैसे इस स्केच में मैंने हाईएस्ट 6B पेंसिल का यूज़ किया है, मैंने 4B से पूरे हेयर्स को ड्रॉ किया है, और जहाँ पे मेरे को ज़्यादा डेप्थ लग रही थी मैंने 6B पेंसिल की भी मदद ली है, और लास्ट में अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो हाईलाइट लास्ट में करें, देख के करें, और इन्हीं सिंपल टेक्निक्स का यूज़ करके आप रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी किए हैं। अभी काफ़ी रियलिस्टिक लग रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल रियलिस्टिक हेयर्स लग रहे हैं मेरे को। जहाँ पे अभी लग रहा है कि थोड़ी कम डेप्थ है, मैं और डेप्थ देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। अगर आपको ऐसी ट्यूटोरियल्स, स्केचिंग रिलेटेड वीडियोस और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आंटी की मिस कॉल आ रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आंटी की मिस कॉल आ रही अभी।